قام لوما ملوما محسوه. चार, और ना ही अपना हाथ गर्दन से बांध कर रखिए, यानी कंजूस ना बन जाइए, और ना ही इसे बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, यानी फजूल खर्च ना बन जाइए कि तुम मलामत ज़दा और आजिज बनकर बैठ जाए। बच्चों, ये आयत नंबर 18 की पहली चार आयात ने आपने इनका तर्जमा अच्छी तरह याद करना। अब हम इसके अल्फाज मायने पढ़ेंगे। हुक्म दिया, फैसला कर दिया, यबलुगन्ना पहुँच जाए, अलकिबा बुढ़ापा, किलाहुमा वो दोनों, उफ़िन कलमा बेजारी हाँ हूँ, ऐसा कलमा जिससे नफरत का इजहार हो, लातनहर मत झिड़किए, इख़फ़िज़ झुका दीजिए जनाह बाजू, जुल्ली नरमी खाकसारी तवाज़ा, रब्बजानी इन दोनों ने मुझे पाला, अव्वबीना सच्चे दिल से तोबा करने वाले, रजू करने वाले, ला तुबज़िर फजूल खर्च मत कीजिए, मुबज़िरीना फजूल खर्च करने वाले, मुबज़िर अच्छा इब्तिगा चाहना इंतज़ार करना, रहमतिन मुराद रिज़्क, तर्जू तो उम्मीद रखता है, मैसूर नर्म आसान। बच्चों, ये अल्फाज मैंने पहली चार आयतों के आपने अच्छी तरह याद करने हैं। इसके बाद इसकी तशरी इन ये सूरह बनी इसराइल की आयात में चंद अहम तालीमात का जिक्र, तालीमात इस्लाम का जिक्र किया गया। इनमें सबसे पहले तालीम तौहीद का जिक्र है, फिर उसके बाद हकूक वालदैन का और वालदैन के साथ उसने सलूक का, वालदैन के हक में दुआ खैर, दिल में वालदैन का एहतराम, नंबर तीन रिश्तेदारों, गरीबों और मुसाफिरों के हकूक और फजूल खर्ची की ममानत के बारे में बयान किया गया है। बच्चों, आपने पहली चायात और उनका तर्जमा तशरी अल्फाज मानी याद करने हैं।